अरे यार मगर लिबम क्या हो गया ये तो बता दो, मुंह क्यों फुला के बैठी हो? अरे यार लिबम कुछ तो बोल दो, बता तो दो यार मुझे। क्या बताऊं, तुम्हें शर्म आती है? थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम्हें? क्या किया यार मगर मैंने? क्या किया? स्प्लिट्सविला वाले वीडियो में वो हरामखोर क्लोजअप तुम्हारे आंखों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था, सारे लोग देख रहे थे मगर तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मिस्टर डेटॉल, और तुम्हारी पत्नी को कोई कुछ बोल रहा है मगर तुम कुछ नहीं बोलते, ये तुम्हारा धर्म है क्या? गधे की तरह खड़े होकर देख रहे थे बस। मैं क्या बोलता यार लिपबाम उसको? क्या बोलते? मुंह तोड़ देना चाहिए था उस कुत्ते का। अच्छा मुंह तोड़ दूं और फिर मुझे पुलिस पकड़ के लेकर चले जाए? कैसी बात कर रही हो यार तुम? कैसी बात वैसी बात कुछ नहीं, सीधा बोलो कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है उसको मारने की। ऐसा नहीं है लिपबाम। ऐसा ही है लिपबाम बाली के। कौन है? मैं हूँ बेटा आकाशवाणी। किसकी नानी? किसी की नानी नहीं बेटा, आकाशवाणी। क्या काम है? काम वाम नहीं है बेटा, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देखो तुम्हें भी पता है कि डेटॉल बिल्कुल नल्ला है और ये क्लोजअप के सामने टिक नहीं पाएगा, मगर मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? कॉमन राज आज बागी 3 के ऊपर वीडियो बनाने वाला है, उसके अंदर रोनी नाम का एक लड़का है जो सबकी गांड तोड़ देता है और उसको देख के डेटॉल भी गांड तोड़ेगा उस क्लोजअप की। हाँ हाँ ठीक है, मगर तुम क्यों हंस रहे हो? ऐसे ही बेटा फील देने के लिए, मगर एक शर्त थी उसकी कि वो बागी 3 की वीडियो तभी बनाएगा जब लिप बाम तुम उसके सेकंड चैनल को प्रमोट करोगी। अच्छा उसके सेकंड चैनल को? हाँ वो तो मैं कर देती हूँ। गाइस उसके सेकंड चैनल को देखो, जहाँ पर वो बहुत सारे प्यारी प्यारी ओमेगल वीडियोस बनाता है और बहुत सारी अंग्रेजी लड़कियों से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करता है, बहुत ही नॉटी नॉटी बातें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करना उसके सेकंड चैनल को और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अच्छा अब फटाफट मैं तुम लोग एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ जिसकी वजह से कि तुम्हें बाद में वीडियो के अंदर तकलीफ ना हो। इस ऐप का नाम है थ्राइव, जो कि 100% ट्रस्टेबल ऐप है। जब तुम लोग इसके ऊपर रजिस्टर करते हो तो तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे और जैसे तुम अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करोगे इस एप्लीकेशन के ऊपर तो तुम्हें 75 रुपए हर एक फ्रेंड के लिए मिलेंगे। तुम लोग हर दिन भी अर्न कर सकते हो डेली लॉगिन की वजह से और इस ऐप के अंदर आए हुए लकी ड्रॉ फीचर की वजह से। तुम्हें इस एप्लीकेशन के अंदर मिशन कंप्लीट करने होते हैं जिससे कि तुम लोग पैसे अर्न कर सकते हो। तुम लोग इजीली अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर और इस ऐप के अंदर क्लाउड वेयरहाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो किसका वेट कर रहे हो, नीचे लिंक है, जाके डाउनलोड करो और मजे लो। तो कहानी है विक्रम की, जो कि एक नंबर का चोदू है। बचपन से सिर्फ इसने एक ही चीज सीखी, दूसरों के हाथों से जूते खाना। हमारे सूत्रों ने बड़ी सूत्रता से इसके एक बचपन का क्लिप निकाला जहाँ पर बचपन में ये बच्चों के हाथ से जूते खा रहा है। तो जरा आप लोग देखो एक बार। कट गई। यस यस। ए विक्रम तूने मेरी पतंग कैसे काटी? अब अभी बताता हूँ। अरे अरे हाँ ये जादुई कला सिर्फ विक्रम के पास है कि भाई जब भी कोई बच्चा ऐसी गांड तोड़ रहा होता है तब ये अपनी छाती फाड़ के अपने भाई रोनी का नाम लेता है और फिर पता नहीं फ्रॉम नोवेयर जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ अपने पूरे शरीर के ऊपर तेल वगैरह रगड़ के अपनी बॉडी शॉडी दिखाते हुए टार्जन की तरह उड़ता हुआ आता है और फिर सारे के सारे लोग को ऐसा मारता है, ऐसा मारता है, ऐसे मारता है कि भाई अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार भी टूट जाए। रोनी के बचपन का रोल निभा रहा जन्नत जुबेर का भाई जॉनसन बेबी पाउडर जुबेर, जिसको हर बार मूवी के अंदर देख के तुम्हारे मुंह से निकलेगा इतनी मेहनत करते हो फिर भी हमको मजा नहीं आता। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता। हाँ ठीक है अब जाके अपनी बहन के साथ टिकटॉक बना, चल चल निकल। अच्छा सॉरी, रोनी का बचपन का रोल जो निभा रहा है जॉनसन बेबी पाउडर जुबेर, वो भी बहुत ताकतवर है। वो भी भाई साहब सारे के सारे बच्चों की गांड तोड़ देता है जिसकी वजह से जैकी श्रॉफ उसके पापा बहुत नाराज हो जाते हैं, उसको बेल्ट से कूटते हैं। मौसी जी गांड टिकटॉक बनाएगा, छपरी बनेगा, छमिया बनेगा तू और बनाएगा टिकटॉक अभी। सॉरी यार बहुत मारा ना बाबा ने। जैसी एक्टिंग है छोटा विक्रम कर रहा है, काश इसके भी हाथ पर तोड़ दिए होते जैकी श्रॉफ ने। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। मगर आज किसी ने जैकी श्रॉफ की गांड पे गोली मार दी मावशी ची गांड, जिसकी वजह से वो आज मरने वाले हैं और वो हॉस्पिटल के अंदर है बाबा। मगर मरने से पहले वो अपने छोटे बच्चे रोनी को कुछ संदेश देना चाहते हैं। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। लॉल जस्ट किडिंग, उसने ये नहीं कहा। बेटा रोनी विक्रम तो एक नंबर का ढोलक है, हर कोई इसकी बजा कर निकल जाता है, तुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी है। भले ही तुझे गन वन चलाने नहीं आती है मगर इस पूरी की पूरी मूवी में कहीं पर भी कोई इसे पीट रहा हो तो तू इसकी हेल्प करना और इसकी प्रोटेक्शन करना। और फास्ट फॉरवर्ड विक्रम बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी तू छोटा है क्योंकि ये चूतिया वरुण धवन की जुड़वा देख रहा है यार, वो भी थिएटर के अंदर, वो भी कॉमेडी सीन्स के ऊपर रो रहा है ये। वैसे इट एक्चुअली मेक्स सेंस यार, वरुण धवन की एक्टिंग देख के तो कोई भी रो जाएगा। सिद्धू पाजी जो कि हर पल कहते रहते हो ठोको ताली, वो भी वरुण धवन की एक्टिंग देखकर पादे हुए आएगा। और फिर एंट्री होती है हमारी श्रद्धा कपूर की, जो कि एक नंबर की संस्कारी बच्ची है। वो अपने फोन के अंदर टावर ढूंढते ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे टावर होते हैं जेंट्स वॉशरूम में। एक मिनट, ये ऐसा कैसा जेंट्स वॉशरूम है भाई? अबे हम भी इंसान है और हमारे वॉशरूम के अंदर भी दीवारें लगी होती है। और एक सेकंड, ये दोनों आगे पीछे क्या कर रहे हैं? साले ऐसे कौन यूज करता है वॉशरूम? अबे जेंट्स वॉशरूम में आए हो तुम लोग, ओयो के रूम में नहीं। मगर अब रोनी और विक्रम को शिफू जी पाल रहे हैं और साथ साथ भोजपुरी बोलने का एक बहुत ही घटिया एक्सेंट भी पाल के बैठे हैं अपने साथ। अरे क्या साहब,
इतना भी क्या छोटे को टॉर्च, झगड़ा तो बड़े ने शुरू किया था, जा तो उसको भी मिलना चाहिए। मावशी चिगांड। शिफू जी आप इंस्पेक्टर हो, पान वाले नहीं जो कि ऐसे बात कर रहे हो। तुम लोग घूम फिर कर हमारा ही कबर काहे उखाड़ने लगते हो बे? मगर हमारे भोजपुरी शिफू जी चाहते हैं कि भाई रोनी पुलिस वाला बन जाए, मगर रोनी के ऊपर तो 32 क्रिमिनल केस चल रहे हैं जिसके वजह से वो पुलिस वाला नहीं बन सकता। 32 नहीं 33, कल का जोड़ो। इसलिए वो बड़े कैजुअली कहता है कि भाई विक्रम तू पुलिस वाला बन जा, मैं नहीं बन पा रहा तू बन जा भाई। भाई ये जॉब तुम कर लो, हम चाचा एक काम करो आप फॉर्म भर दो, विक्रम ये जॉब करेगा। और ये फनी चीज नहीं है, फनी चीज तो ये कि भाई अगले दिन विक्रम पुलिस वाला बन भी जाता है विदाउट फिजिकल टेस्ट, विदाउट मेडिकल टेस्ट, विदाउट रिटन टेस्ट। और भाई ये हवलदार भी नहीं बना है भाई, SI बना है, दो तारे वाला SI बना है कुछ बिना किए, मगर अब हमारा विक्रम पुलिस वाला बन चुका है और अब वो अपनी सिटी की प्रोटेक्शन करेगा। मगर दोस्तों कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आज विक्रम के ड्यूटी का पहला दिन है और आज के दिन ही इनके पुलिस स्टेशन के बाहर एक जलती हुई लाश दौड़ती हुई आती है। हमें मालूम पड़ता है कि कुछ गुंडों ने उस लाश को जला दिया है और ये लोग पुलिस को डराने के लिए इस लाश को यहाँ पर जलता हुआ लेके आए हैं। इसको देख के सारे के सारे पुलिस वालों की गांड फट जाती है। एक मिनट यार, कितना अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं ये लोग पुलिस वालों को, इतने कमजोर पुलिस वाले नहीं होते हैं ठीक है। मेरे सिटी में लॉकडाउन लगा हुआ है भाई, 6 से लेके 11 बजे तक सिटी खुलता है और 11 बजे के बाद तुम लोग सिटी में चले जाओ तुम लोग बहनचोद, तुम्हारी गांड होगी और उनका डंडा होगा और गाना बजेगा सॉरी डार्लिंग। मगर कोई नहीं, ये गुंडे जो कि आग जलाते हुए लेके आए थे ये बहुत ज्यादा डेंजर है। ये लोग क्या करते हैं कि रोनी के शहर से फैमिली को किडनैप करते हैं और सीरिया के आतंकवादी अबू जलाल को ने बेच देते हैं कि वो इनको सुसाइड बॉम्बर्स की तरह यूज करे। और तभी मेरे दिमाग ने बोला कि भाई ये आतंकवादी कितने चूती है भाई, कितने, तुम अपने आसपास के देश से लोगों को नहीं ले सकते कि तुम इंडिया से मंगा रहे हो, हैं इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो। शाबाश, पक्का मोगली है तू। विक्रम जो कि पुलिस वाला है, जाट पुलिस वाला है, इसने कुछ एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया बट पुलिस वाला बन चुका है, ये अब सीरिया जाने वाला है वहाँ की इंडियन फैमिली को बचाने के लिए वहाँ के आतंकवादियों से, क्योंकि जब ये यहाँ पर था तब क्या हो रहा था कि भाई ये गुंडों से लड़ाई करने जा रहा था और ये कहीं पर छुप जाया करता था और हमारे रोनी भाई सब निकल के आते थे और फिर रोनी सबको घिशुम घिशुम घिशुम। रोनी भैया हमको इतना चुतिया समझते हैं कि यह टाइमर लगा के गुंडों को मारते हैं। एक बार तो रोनी भैया एक ट्रेन के आगे ऐसे खड़े हो गए, पीछे BGM माई चुतिया गाना बजा दिया और आगे ट्रेन में जो कि पूरे गुंडों से भरी थी उसको 2 मिनट में साफ कर दिया। वाह चपरासी रोनी भैया, आप तो हमको पूरा चुतिया समझते हो, सिर्फ इतना ही क्यों मेरा मुंह भी तोड़ दो कि मैं बोलना छोड़ दूं। इंडियन रेलवे को रोनी भैया को काम पे रखने लेना चाहिए, यह दिल्ली सुबह उनकी ट्रेन साफ कर देंगे साला चूतिया। निकल। फिर हमारी भारत सरकार ने सोचा कि भाई यार ये कितना पावरफुल लड़का है यार, ये सबसे लड़ाई कर रहा है अकेला, बेंचो जी तो बहुत पावरफुल है, इसको सीरिया भेजो भाई, सीरिया जाएगा ये लड़का और वहाँ पर जाके सारे आतंकवादी से अकेला लड़ाई करके आएगा, जबकि हमारे पास सेना है बहुत सारी, हमारे पास कमांडो ऑफिसर्स है, हम उनको नहीं भेजेंगे, सिर्फ विक्रम अकेला जाएगा। विक्रम सीरिया पहुँचते वीडियो कॉल करता है अपनी बीवी को, नहीं वो वीडियो कॉल करता है अपने भाई रोनी को। एक सेकंड रुचि को बताओ क्या तूने मुझे पहले कॉल किया? उसे तो बाद में बात कर ले। एक नंबर के गे हैं साले दोनों के दोनों। Why are you gay? बता दो क्या मैडम को? भाई का फोन पहले मुझे जलेगी ना लौड़े, तुम लोग की अलग फैंटेसी चल रही है, अपने बीवी को ना फोन करवा के तो खुद से बात करवा रहा है उसकी। टकटक बन के तो सड़कों पर घूम रहा था। मगर दोस्तों शायद ये वीडियो कॉल विक्रम की आखिरी वीडियो कॉल होगी, क्योंकि अचानक से उसके कमरे में गुंडे आ जाते हैं जो कि विक्रम को लेके घिशुम 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 करते हैं, विक्रम के बाजे बजा देते हैं। वैसे मारो साले को, इसके जैसे काम है चूते को पढ़ने चाहिए जूते वूते। और इधर रोनी इंडिया के अंदर विक्रम की ठुकाई को लाइव देख रहा है वीडियो कॉल के ऊपर, वो भी 4K क्वालिटी में। बहनचो इतनी भयंकर क्वालिटी में तो IPL भी नहीं आता यार, ये कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है भाई तू, BSNL 5G। मगर दोस्तों अब रोनी क्या करेगा, क्या वो 2 सेकंड में यहाँ से उड़ के सीरिया पहुंच जाएगा और उन गुंडों की गांड तोड़ देगा? नहीं चूतियो, ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये बागी 3 है, फ्लाइंग जेट नहीं। मगर एज वी ऑल नो ऑडियंस तो लंगूरों की फौज है, इसलिए हमारा रोनी अगले दिन ही सीरिया पहुंच जाता है बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, क्या होते हैं ये नहीं काम करते भाई। रोनी सीरिया पहुंचने के बाद एक पुलिस वाले को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस की रिपोर्ट लिखाता है। एक तो भाई ये पुलिस स्टेशन सीरिया का है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का? भाई बॉलीवुड वालों तुम लोग को पता भी है कि सीरिया कहां पर है मैप के अंदर? अगर सीरिया के पास इतना पैसा होता या ऐसा पुलिस स्टेशन होता तो लौड़ा का सीरिया होता, वेंचर यूरोप नहीं होता वो, मावशी चिगांड। मगर हमारे रोनी को पुलिस वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और उसे मिलता है पाकिस्तानी जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पता नहीं कैसे। तुम्हारा भाई, तुम्हारे को कुछ तलाश है ना? तुम्हारा भाई विक्रम IPL के चक्कर में यहाँ पर आया और कल से गायब है, तुम ये सब कैसे जानते हो? जाने का ही ना भाई, पाकिस्तान से जो है इनको वेंचो अपने देश की छोड़ के बाकी सारे देशों की इन्फॉर्मेशन रहती है। पाकिस्तानी है। ठीक है। अब रोनी को पता पड़ चुका कि इसका भाई कहाँ पर है और अब हमारा रोनी बन चुका है एंजल रोनी और अब आधे घंटे तक लगातार कंटिन्यूसली गान चुकाई होगी सीधा देश की, पूरे के पूरे सीधा देश की बाय एंजल रोनी। मेरा एक काम करना, अगर अबू जलाल मिले की माचिस बुझा देना।
मैं तो अपने प्रोटेक्शन के लिए पहन लेता हूँ क्योंकि बहुत क्रिंज होने वाला है अभी, तो मेरे को प्रोटेक्शन की जरूरत है भाई। सबसे पहले रोनित थोड़े से ग्रेनेड को एक कपड़े के अंदर फोल्ड करता है और उसे अपने पास रख लेता है कि भाई जरूरत पड़ेगी इनकी, और फिर एक रस्सी पर लटक के एक बॉम्ब फेंकता है एक गुंडे के पास। पक्का मोगली है तू। दूसरा बॉम्ब फेंकता है दूसरे गुंडे के पास। तूने मेरा लंडन बजा दिया। तीसरा बॉम्ब फेंकता है तीसरे गुंडे के पास, और उसके बाद जो उसने थोड़े से बॉम्ब फोल्ड करके रखे उसको ऐसे ऊपर फेंकता है कि ये सारे के सारे बॉम्ब पीछे की तरफ फूटे और वो पीछे वाले गुंडे भी मर जाए। मगर भाई अगर न्यूटन की बात माने तो ये सारे के सारे बॉम्ब इसके सर पे पड़ जाने चाहिए थे, मगर न्यूटन की कौन है वो रोनी के सामने, कौन है हेंचोद। फिर हमारे एंजल रोनी को मारने के लिए बहुत सारे बंदे भागते हुए आते हैं और फिर रोनी उन सबको मार देता है। एक को ऐसे घूम के मारता है, एक को ऐसे घूम के मारता है, यो भिशुं, भिशुं, भिशुं चलता है पूरा। वो आतंकवादी जो कि लिटरली यूएसए मिलिट्री के ड्रेस पहन के बैठे भाई, उनके पास गन्स वगैरह तो होगी मगर कोई बात नहीं, एंजल रोनी घिशुंग 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 करके सबको मार देता है। और इधर दुनिया का सबसे भयंकर आतंकवादी अबू जलाल बिल्कुल परेशान है कि भाई हम पे अटैक किसने कर दिया यार, ये अमेरिका ने अटैक किया या ये रूस वालों ने तो अटैक नहीं कर दिया हमारे ऊपर। अमेरिका रूसिया मगर उन्हें क्या मालूम, एक अकेला एंजल रोनी पूरे के पूरे देश की वाट लगा रहा है क्योंकि रोनी के सामने कारें आ रही है तो वो उड़ जा रही है। रोनी कारों को हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा रहा है। फिर कारों की मां बहन एक करने के बाद हेलीकॉप्टर्स की बारी आती है। एक हेलीकॉप्टर नहीं, दो हेलीकॉप्टर नहीं, तीन तीन हेलीकॉप्टर एंजल रोनी से लड़ाई करने के लिए आती है। एंजल रोनी बीच बीच में भाग रहा है और पीछे से हेलीकॉप्टर शूट कर रहे हैं उसे, मगर एक का भी मिसाइल टच नहीं होता। बहन के लड़ो भाई, इंसान है वो, गॉडजिला का बच्चा नहीं कि तुम्हारा कोई भी मिसाइल टिक नहीं रहा उसको। मगर फिर अनफॉर्चुनेटली एक मिसाइल रोनी को टिक जाती है जिसकी वजह से वो जंप लगाता है गोरिल्ले की तरफ, सीधा हेलीकॉप्टर पे टंग जाता है जबकि हेलीकॉप्टर इसके पीछे थे हेंचोद, और ये जब इसको मिसाइल लगी तो ये ऐसे उड़ेगा ना, मगर ये फिर भी हेलीकॉप्टर पर लटकने के बाद ऊपर पंखे घूम रहे हैं, दोनों पंखे घूम रहे हैं मगर ये बीच में गुंडों से लड़ाई कर रहा है। मार दो मुझे कोई। अब बंदों को भी मार दिया, हेलीकॉप्टर भी तोड़ दी, अब क्या किया जाए। इसलिए अब हमारा एंजल रोनी लड़ाई करने वाला है तोपों से, एक नहीं दो नहीं तीन तीन तोपों से। भाई तोप इसके पीछे पीछे भाग रही है, एंजल रोनी आगे आगे भाग रहा है। एक तोप के साथ तो इसने मजाक ही कर दिया, ऐसे रेंग के नीचे से निकल गया भाई तोप के नीचे से। अरे भाई जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया। भाई एंजल रोनी तू वहाँ पर गुंडे मार के हमारे दिमाग की मार रहा है, उससे बढ़िया निकल स्क्रीन से और हमारे छाती में घुसा मार और खत्म कर हमारी जिंदगी। भाई ऐसे तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। भाई मेरे विक्रम तेरे बुलाने से रोनी भागता हुआ आता है ना, प्लीज चला दे मेरे भाई। इसने तोप हेलीकॉप्टर सब फोड़ दी भाई, अब सबमरीन से लड़ाई करेगा ये, बुला दे भाई भगवान के लिए। अब बुलाएंगे। फिर क्या, विक्रम की आवाज सुनते रोनी भागता भागता आता है बिकॉज रोनी इज गे एज़ फक, और फिर वो सारे के सारे आतंकवादियों को मार देता है। पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। I'm proud of you, my boy. बाबा को दिए वादे को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर देना बागी बनना है तो मैं बागी। बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिकॉज मैंने बहुत बहुत तड़पा हूँ भाई इस वीडियो के लिए। तो मेरे लिए ताली बजाइए भाई साहब, मेरे लिए ताली बजाइए। राजू भैया जिंदाबाद। प्लीज शेयर दिस वीडियो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे @comment_raj। और एक और बहुत ही बढ़िया चीज की भाई, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर लाइव हो चुका है तो डिस्कॉर्ड के ऊपर आओ, वहाँ पर हम लोग बातें करेंगे वॉइस चैट के ऊपर। जितने भी जो लोग पहले ज्वाइन करेंगे 500 लोग उनको मैं रोल्स भी दूंगा सर्वर के अंदर, तो प्लीज ज्वाइन करो और आ जाओ भाई मजे करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नमस्कार ऑसम पीपल। राजू भैया जिंदाबाद।